फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो यस, आज का वीडियो फाइनली आ गया है। आप में से बहुत फ्रेंड्स इस वीडियो का वेट कर रहे थे कि मैं अपना रिव्यू दूं अपने डिश वॉशर का। सो आई वांटेड टू टेक सम टाइम बिकॉज यू नो इतनी जल्दी नहीं समझ में आता है। काफी उसमें फंक्शंस होते हैं जो हमने धीरे धीरे यू नो ओवर द टाइम लर्न किया है, जैसे सॉल्ट कब डालना होता है, रिंसेड कब डालना होता है। तो कुछ एक दो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जब स्टेन्स आ रहे थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था क्यों आ रहा है। सो फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया, टेक्नीशियन को हमने कॉल किया, सेकेंड टाइम पे वी ट्राइड इट आर सेल्फ, थर्ड टाइम पे जाके हमको क्लियर हुआ ओके ये रीजन है इस प्रॉब्लम का। सो इसीलिए आई वॉन्टेड टू बी वेरी श्योर बिफोर ब्रिंगिंग दिस वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई थिंक मुझे अभी 3 महीना हो गया है इस डिश वॉशर को यूज करते हुए प्रॉपरली। सो नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू गिव यू अ प्रॉपर रिव्यू ऑफ माई डिश वॉशर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने डिश वॉशर लेने का क्यों सोचा। सो लाइक एवरीबडी, डिश वॉशर लेने का मेरा सिर्फ एक रीजन था, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्टेड टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी। और आई यूज टू डू डिश अपने जो डिशेज हैं जो कोविड टाइम है उससे पहले आई हैड अ मेड। कोविड टाइम पे आई डिड इट, मी एंड माई हस्बैंड वी डिड इट टुगेदर, बट समहाउ वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था एंड कोविड के टाइम पे यू नो डिश वॉशर काफी बूम में आया। आई मीन उससे पहले इंडिया में डिश वॉशर्स थे बट उतने नहीं थे, बहुत कम यूज होते थे। बट ड्यूरिंग दिस कोविड इतने डिश वॉशर के यू नो डिमांड्स बढ़े, सो वी ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिश वॉशर। उसके रिव्यूज वगैरह हमने देखना स्टार्ट किया, देन फाइनली हमको लगा येस, एक्चुअली हमने डिश वॉशर ऑलरेडी यूज किया था वेन वी वर आउटसाइड इंडिया, सो वी न्यू इट इज गुड, काफी अच्छे से बर्तन धुलते हैं, हमारे बर्तन वहां पे अच्छे से धुल जाते थे। बट वी वर नॉट श्योर कि इंडियन मार्केट में अच्छा डिश वॉशर है कि नहीं, सो वी वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन फाइनली वी डिसाइडेड अपॉन कि यू नो जब मार्केट में काफी डिश वॉशर्स थे, थोड़ा टाइम हो गया था उनका आए हुए, अच्छे रिव्यूज अवेलेबल थे, फिर वी डिसाइडेड टू गो अहेड विद द डिश वॉशर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये डिश वॉशर वर्थ इट है। वेल, मेरा पूरा वीडियो देखिए सो एंड तक, यू नो यू विल गेट योर आंसर। पर्सनल है कि आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं है, यू नो सो एक बार आप पूरा वीडियो देख लेंगे देन मे बी यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको डिश वॉशर चाहिए या नहीं। सो मार्केट में बहुत सारे डिश वॉशर्स हैं, सो हमने कैसे डिसाइड किया अपॉन एलजी। तो हमारा मेन था बॉश और एलजी में से कोई एक डिश वॉशर लेने का। सो उससे ज्यादा हमने चेक नहीं किया बिकॉज वी वर श्योर अबाउट दिस। हमारे फ्रेंड्स ने हमको इन्हीं दोनों में से ही ज्यादा रिकमेंड किया था। सो बॉश जो था इट वॉज ऑल्सो गुड, बट उसमें जो प्लेट होते हैं ना, जब आप प्लेट सेट करते हो ऐसे यू नो आपके जो प्लेट्स रखने की जो जगह होती है, बॉश में इतना था, ठीक है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते थे। बट जब आपने एलजी मशीन देखा तो उसमें कुछ आपके जो सेटिंग्स थे उसमें प्लेट्स रखने की जो जगह थे, रॉड्स थे, उसके बीच में आप स्पेस डिसाइड कर सकते हो। सो इतना था, अब उसमें पतली प्लेट रख दो, और आप इतना भी कर सकते हो तो उसमें आप जो चौड़े एजेस वाले प्लेट्स होते हैं ना वो रख सकते थे। सो हमको ये एक यू नो एडेड एडवांटेज लगा एलजी में, सो वी वेंट अहेड विथ एलजी। सो मेरा डिश वॉशर मैंने कौन सा लिया, इट्स एलजी का 14 प्लेस सेटिंग वाला डिश वॉशर है। इसके अभी थोड़े से आपको मैं फीचर्स और बताती हूँ। सो और डिलीवरी टाइम कितना लगा, कोविड के टाइम पे बहुत लंबा यू नो वेटिंग पीरियड था, बट जब हमने इस बार जनवरी में या फिर फरवरी में, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक जनवरी में लिया था अभी इस साल हमने, सो हमको एक दिन में ही डिलीवरी मिल गई थी। सो इनकेस आप यू नो डिश वॉशर लेने का सोच रहे हो, सो डोंट वरी, अभी वेटिंग टाइम उतना नहीं है जितना कोविड के टाइम पे था। अभी इमिजिएटली आपको डिलीवरी मिल जाती है, और जो आपका मेंटेनेंस वाला बंदा है वो भी 2-3 दिन में आके ही यू नो सारा सेटिंग वेटिंग करके आपको समझा के उसके बाद वो चला जाता है। सो इसके डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चला है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, यू नो इनकेस आपको प्लेस करना है किचन में, आपको पता करना है इसकी हाइट उतनी है क्या जितने में आप इसको किचन में लगा सको। सो इसका जो विड्थ है दैट इज 600 mm ऊपर और नीचे दोनों, और इसका जो आपका हाइट है इट इज 850 mm। और यहाँ पे समरी में जैसे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसकी कैपेसिटी है 14 प्लेस सेटिंग्स, डायमेंशन जैसे मैंने अभी आपको बताया, टेक्नोलॉजी है इसका इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव, और परफॉर्मेंस है इसकी ट्रू स्टीम एंड क्वाड वॉश। मैं आपको मशीन का इंटीरियर एक बार दिखा देती हूँ। तो दो रैक है यहाँ पे, ये ऊपर का रैक है, तो यहाँ पे कप्स प्लेट्स या फिर आप अगर चाहो तो यू नो चम्मच ये रखने का है, चम्मच दो साइड में इधर भी है एंड वी हैव गिवन इट हियर ऑल्सो। यहाँ पे है प्लेट्स वगैरह रखने का, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, इनकेस आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप इसको नीचे कर सकते हो। वैसे यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा गैप वाले हैं जिनके एजेस ज़्यादा होंगे वो, और यहाँ पे थोड़े कम गैप वाले, आई गेस। यस ओके, तो अभी ऐसा है, यहाँ पे ये ऊपर का हो गया,
ओके और यहाँ पे ऊपर ही है आपका स्प्रिंकलर, एक जो अटैच स्प्रिंकलर है वहां पे ऊपर, तो यहाँ से पानी आता है। और यहाँ पे ये बटन है, इससे आप इस क्रैक को ना ऊपर या नीचे कर सकते हो, सो आपको जैसे जरूरत हो उस हिसाब से। सो एक फैन या फिर स्प्रिंकलर यहाँ पे नीचे दे रखा गया है, सो यहाँ पे इसमें पानी ऊपर भी जाता है और यहाँ पे होल्स हैं तो नीचे भी आते हैं। सो इट मूव्स लाइक दिस। ओके नेक्स्ट नीचे वाला रैक है, ये भी पूरा का पूरा निकल जाता है, इनफैक्ट ये भी निकल जाता है और ये भी निकल जाता है अगर आपको क्लीनिंग करना है ना मशीन का तो। एंड एक्सक्यूज दी नॉइस, तो मैं एक्चुअली ड्राई बालकनी में हूँ तो बाहर का साउंड आ रहा है। और यहाँ पे भी है आपके प्रॉपर प्लेट्स वगैरह रखने का, ये भी है, आप कम्प्लीटली यू नो इसको हटा सकते हो या फिर रख सकते हो। सो अगर आपके मोटे एजेस वाले प्लेट हैं तो आप ऐसे लगाओ, अगर आपके पतले एजेस वाले प्लेट हैं तो आप यू नो ऐसे ज़्यादा प्लेट्स यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है, ये आप देख रहे हो। यही मुझे LG का सबसे ज़्यादा पसंद है कि इसमें जो ज़्यादा एजेस वाले जो प्लेट्स हैं ना आप उनको भी रख सकते हो, बिकॉज गैप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। सो वो आपके ऊपर, आपको यूज़ करना है नहीं करना, एटलीस्ट दे हैव एन ऑप्शन, अगर आपको चाहिए होगा तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ देम। सो ये इस तरह से पूरा हो जाता है, पीछे भी यहाँ पे है पूरे प्लेट्स रखने का। सो अगर आपको चाहिए तो आप पूरा सेट प्लेट्स यहाँ पे लगा सकते हो, नहीं चाहिए आपको पॉट्स वगैरह डालने हैं तो आप इनको नीचे करके यूज़ कर सकते हो। ओके सो यहाँ पे एक और नीचे फैन दे रखा गया है जिसको हम स्प्रिंकलर बोलते हैं नीचे यहाँ पे। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे है सॉल्ट डालने के लिए, तो फर्स्ट टाइम में जिसमें ना पानी डलता है तो वो पानी जो टेक्नीशियन आता है वही डाल के जाता है, वो आपको दोबारा कभी नहीं डालना होता है। उसके बाद आपको सॉल्ट डालना पड़ता है जनरली 30 वॉश के बाद, या फिर जैसा आपका हार्ड वाटर है ना उस हिसाब से। सो एक फैन नीचे हो गया स्प्रिंकलर, एक स्प्रिंकलर यहाँ पे हो गया, एक अटैच स्प्रिंकलर ऊपर हो गया यहाँ पे, लेट मी जस्ट शो यू यहाँ पे, ठीक है इधर। और यहाँ पे इसके डोर पे भी दे हैव गिवन स्प्रिंकलर इधर, तो काफ़ी अच्छे से पूरा जो क्लीनिंग है ना वो होता है। सो अभी कमिंग टू दी डोर, यहाँ पे है आपका डिटर्जेंट डालने का या फिर टैबलेट जो भी आप डालो यू नो, फिर इसको क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे आपका रिनसेड का, तो जब भी रिनसेड खत्म होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। सो रिनसेड का ये भी आई थिंक 15 दिन का होता है रिनसेड, डिपेंडिंग अपॉन आपका यूज जो है वो। सो येस तो ऐसा है, तो ये है आपका इंटीरियर जो है डिशवॉशर का वो। तो आपने देखा देखने में बहुत अच्छा है, बहुत इजी टू यूज है। तो अभी मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ, हमने जब इसको लास्ट टाइम यूज किया था सो हमने उसको रिकॉर्ड किया था। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको इसके लिए डिशवॉशर को ऑपरेट करने के लिए जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह वो सब क्या क्या लगेंगे। सो डिशवॉशर में हमको क्लीन करने के लिए बेसिकली ये चीजें चाहिए होती है, एक है आपका सॉल्ट, जो आपका जो हार्ड वाटर होता है ना उसको सॉफ्ट अप करता है तो आपके जो यूटेंसिल्स है उसके ऊपर स्टेन्स नहीं आते। नेक्स्ट है ये आपका रिनसेड, ये आपका यू नो बहुत ज़्यादा जो आपके बर्तन है जो आपकी शाइन आती है ना डिशवॉशर के यूज़ से बर्तनों में, सो ये शाइन लेके आता है और जो वाटर स्पॉट्स होते हैं ना उसको हटाता है। नेक्स्ट आपका जो हम मेन वॉशिंग के लिए जो यूज़ होता है वो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो आती हैं आपकी टैबलेट्स और एक आता है आपका डिटर्जेंट जो कि हमारा पाउडर फॉर्म में है और टैबलेट्स हमारे टैबलेट फॉर्म में, जैसे यहाँ पे फोटो है ना तो इस तरह से टैबलेट फॉर्म्स में आती हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू आप कौन से ब्रांड का यूज़ करते हो, कौन सा यूज़ करते हो। सो फॉर्चून, फिनिश और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, सो आप अपने हिसाब से उनको चूज कर सकते हो। आपको मैं दिखाती हूँ हम लोड कैसे करते हैं। सो माय हस्बैंड इज गोइंग टू हेल्प मी विद दिस, जनरली वही डिशवॉशर सेट करते हैं। सो नीचे वाला जो है ना ट्रे वो इजीली निकल आता है और हमारा जो है ना सिंक एरिया यहाँ पे है तो इसीलिए बेटर होता है कि हम इसको ना वहाँ से निकाल के लेके आते हैं। ऊपर वाला भी निकल जाता है लेकिन इसको हम निकालते नहीं है बिकॉज इसमें छोटे बर्तन ही ज़्यादा आते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ में है यहाँ पे ये वाला स्पून रखने के लिए जो हम यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज जो स्पून है ना वो यहाँ पे जो दिए रखा है स्पून के लिए स्टैंड यहाँ पे ही फिट हो जाते हैं तो इससे ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों साइड में है स्पून के लिए, यहाँ पे उस साइड में भी है एक और ये ऐसा इस साइड में भी एक है। इसके लिए ये बर्तन हो गए हैं तो जो चाय के और दूध के बर्तन होते हैं ना उनको आपको थोड़ा सा करके मांझ के डालना ही पड़ता है। तो हम ऐसा करते हैं सुभाष एक बर्तन हम छोड़ देंगे बिना मांझे, बाकी हम आपको दिखाती हूँ प्रोसेस एग्जैक्टली कैसा है। सो यहाँ पे इस तरह के आपके जो रैक्स हैं यहाँ पे आप प्लेट्स लगा सकते हो। एंड एक्सक्यूज मी मैं गंदे बर्तन दिखा रही हूँ आपको बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मगर मैं आपको दिखा नहीं सकती कि एग्जैक्टली कैसे क्लीन होता है। सो यहाँ पे है दो गैप, देखिए कितना ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो भी आप बड़े जो आपके एज वाले प्लेट्स होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हो या फिर आप इनको ऐसे करके आप यहाँ पे ये सारा ट्रेस जो है ना यहाँ पे प्लेट्स आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने कुछ प्लेट्स वगैरह लगा दी हैं। सो एग्जैक्टली कैसे बर्तन सेट करना है ना वो आप जब करोगे ना करते करते धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाता है, एक हफ्ते में पता लग जाता है, उसके बाद काफ़ी ईजी हो जाता है बर्तन सेट करने के लिए ताकि बहुत सारा बर्तन आप यू नो एक साथ रख सको। ये वाला पतीला हम एज इट इज़ रख रहे हैं बिना साफ किए, तो लेट्स सी ये कैसे निकल के आता है। इनको हमने थोड़ा थोड़ा
मांझ दिया है। सो इस तरह के जो चाय के बर्तन होते हैं ना, तो उनको आपको मांझना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज मशीन में पानी जो आता है ना, वो बहुत स्ट्रांग स्पीड से आता है, तो वो पानी की स्पीड से साफ होता है, रगड़ता नहीं है। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आपको हाथ लगाना ही पड़ेगा। इतना इतना हमने मांझ दिया है, बाकी मतलब पूरा अच्छे से नहीं, बट इतना कर दिया है। तो अब इसको हम रख देंगे यहाँ पे। ये एक चाय का पतीला है जिसको हम एज सच छोड़ रहे हैं, तो लेट्स सी ये कैसे निकल के आता है। ये बास्केट ऑलमोस्ट फुल हो ही गया है, बाकी जो कोने कोने में थोड़ी थोड़ी जगह रहती है ना, वहाँ पे हम लगा देते हैं। और वैसे भी हाँ, ऐसे छोटे छोटे बर्तन, और वैसे भी ये यहाँ पे ऐसे ना सेट, ये करते करते ना आ जाता है कि एग्जैक्टली कैसे आप इसको फुल यूज कर सकते हो। और हम लोग वैसे भी जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, हम लोग थोड़ा साफ कर करके बर्तन डाल रहे हैं, तो आदत हमारी ऐसी है कि हम हमेशा खाना जब भी प्लेट रखते हैं ना सिंक में, इवन बिफोर डिश वॉशर, हम हमेशा प्लेट को साफ करके खाना निकाल के ही रखते हैं, मतलब पानी से वो हिला के ही रखते थे। सो इट हैज़ बिकम मोर ईजियर फॉर अस, क्योंकि हमें वो एक्स्ट्रा स्पेशली नहीं करना पड़ता है। इससे ऐसा होता है कि आपका जो डिश वॉशर का फिल्टर है ना, वो काफी दिन तक चलता है, वो खराब नहीं होता है। ये वाला शेल्फ है ना, यहाँ पे हम लोग सारे बर्तन सेट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ग्लासेस और छोटे बोल्स वगैरह आते हैं, लेकिन ज्यादा बर्तन हो तो आप ऐसे भी सेट कर सकते हो। सो फाइनली पूरा सेट हो गया। अब जो स्पून्स हैं वो हम यहाँ पे लगा देंगे। सो देखिए कितने बर्तन आ गए हैं। तो यहाँ पे पूरा एक एक कोना यूज हो गया है। तो ये यहाँ पे हो गया ऊपर वाला, और लेट मी शो यू यहाँ पे ये नीचे वाला, ये फिल हो गया है। सो इसको लेके आएंगे, एंड बी वेरी केयरफुल, अगर आपको लगता है ना इट्स टू हैवी फॉर यू टू हैंडल, हाँ मैं सड़ा जाती हूँ, तो प्लीज आप डिश वॉशर में रख के ही यूज करो। इनफैक्ट आपका बेसिन के नीचे डिश वॉशर है ना, सो आप निकालना इज लाइक नॉट वुड नॉट बी अ बेटर आइडिया, आप डायरेक्टली लगा सकते हो। वैसे आप में से काफी फ्रेंड ने मुझे एक बार बोला था जब मैंने ये दिखाया था कि मैं निकाल के बर्तन लगाती हूँ, कि इट्स नॉट सेफ, बट आई हैड आस्क जो हमारा टेक्निकल बंदा आया था ना कि हम कर सकते हैं क्या, तो उसने बोला कि हाँ आप निकाल सकते हो, बस बी वेरी केयरफुल क्योंकि ये हैवी हो जाता है, उसको आप दरवाजे के ऊपर ड्रॉप ना कर दो, ड्रॉप ना कर दो, उस पर ज्यादा वो भी मत करो, अंदर डाल के फिर उसको हल्का स्लाइड कर दो। हाँ, तो एकदम से ध्यान से करो। सो या इट्स अप टू यू कि आप ऐसे कैसे यूज करते हो। और ये डिश वॉशर पाउडर है हमारा जो हमने डब्बे में डाल दिया था, सो इसको जस्ट यहाँ पे हम फिल करेंगे। ये सारे बर्तन लोड करने के बाद एक बार आपको जो फैन होता है उसको चला के देखना पड़ता है, ऊपर वाला भी और एक नीचे फैन होता है, उसको भी कि कहीं पे कुछ फंस ना रहा हो, बस दैट्स इट। फाइनली इसको हम बंद कर देंगे। सो ये इसका कवर हमने अलग से लिया था, एंड वी हैव अ स्टैंड विद दिस ऑल्सो, सो इनका लिंक मैं छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस यू वॉन्ट टू परचेज द सेम। एक्स्ट्रा ड्राई नहीं चाहिए हमको, हम बेसिकली चलाते हैं टर्बो पे जिसपे कुछ नहीं रखते हैं, सिर्फ डुअल जोन रखते हैं, बिकॉज पानी एक्स्ट्रा हमको नहीं चाहिए गर्म, और ये स्टीम वगैरह नहीं चाहिए। इनके फीचर्स मैं आपको या तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ या फिर नेक्स्ट सेक्शन में शायद बताने वाली हूँ, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। सो हम यहाँ पे यूज करते हैं टर्बो जस्ट डुअल जोन जो 59 मिनट का होता है। अगर हम इनके प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे है आपका पावर बटन, ये है ऑटो, ऑटो में आप कुछ भी बर्तन डाल दो, ये अपने हिसाब से उसको देखता है कि क्या है, कैसे वॉश करना है, उस हिसाब से करता है। सबसे लंबा होता है ऑटो, आई थिंक 3-3.5 घंटे का रहता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव, और जो नीचे यहाँ पे एस्ट्रिक में दे रखे हैं ना, इनको फंक्शन करने के लिए आपको जो ऊपर का बटन है ना उसको 3 सेकंड तक दबा के रखना पड़ता है, तो नीचे वाला जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इंटेंसिव में आपका डीप क्लीनिंग होता है, डेलिकेट में आपका रहता है आपका जो हल्के बर्तन होते हैं कांच के बर्तन वो, रिफ्रेश में आपका वो बर्तन होते हैं जो बहुत गंदे नहीं है लेकिन जैसे काफी बर्तन बहुत दिनों से यूज नहीं होते ना, रैक्स में पड़े रहते हैं, धूल जमी होती है, तो उनके लिए रहता है। इको में अगेन आपका कम आपका जो पानी कम इलेक्ट्रिसिटी उसमें चलता है। हम जनरली टर्बो यूज़ करते हैं, इसमें जल्दी क्लीनिंग हो जाती है, 1 घंटे में सारा क्लीनिंग हो जाता है। डाउनलोड साइकिल है, एलजी का अपना ऐप है, उसमें जाके आप अपने हिसाब से कुछ साइकिल्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे हैं कुछ बटन्स जिसमें लाइट जलती तो आपको पता चल जाता है कि आपका रिनसेट खत्म है, कि सॉल्ट खत्म है, वाईफाई से कनेक्टेड है कि नहीं है। सो ये मेन साइकिल्स हैं, इन साइकिल में आपको एक्स्ट्रा क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे है। जैसे आपको डुअल जोन, अगर आपके ऊपर और नीचे दोनों रैक में आपने बर्तन रखा है तो वो, ये आपका सपोज आपने हाफ लोड, आपके बर्तन ज्यादा नहीं है, आपने सिर्फ ऊपर बर्तन रखे हैं या फिर सिर्फ नीचे बर्तन रखे हैं, तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो हाफ लोड। एनर्जी सेवर में आपका वही इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सेव करता है। स्टीम आपका इन जनरल स्टीम और हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन आपको अगर और चाहिए तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा चूज कर सकते हो, हाई टेम्परेचर और चूज कर सकते हो। आपको अगर एक्स्ट्रा ड्राई चाहिए तो बर्तन बिल्कुल ड्राई होके आते हैं, ये एक बहुत अच्छा है। डिले स्टार्ट का है, सपोज आप कहीं जा रहे हो आपको बर्तन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करना है, 1 घंटे बाद आप चाहते हो कि डिश वॉशर स्टार्ट हो, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका स्टार्ट का बटन, सो जैसे ये हो जाता है ना, अगर आप इसको खोलोगे ना, क्योंकि ये बहुत गर्म रहता है, तो ये जो आवाज़ सुन रहे हो ना, ये इस वजह से है क्योंकि
बहुत गर्म है तो आपको दूर रहना। देखो स्टीम कैसे निकल रहा है मस्त इसमें से। तो अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बर्तन कैसे वॉश हुए। बर्तन थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो अभी आपको मैं मेन थोड़े से बर्तन दिखा देती हूँ। सबसे पहले चेक करते हैं दूध के पतीले को। सो ये देखिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड चिपका हुआ दूध नहीं है ना, जिसमें आपने बहुत सारा उबाल रखा हो, तो ये अच्छे से निकल जाता है। सो इसीलिए मैंने इसको ऐसे डाला। ये देखिए अच्छे से निकल गया है। सो अगर बहुत ज़्यादा उबला हुआ पतीला ना, जिसमें बार बार दूध उबला है, तो वो ऐसे साफ होकर नहीं निकलता। बट ये देखिए ये निकल गया काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको चाय का पतीला। ये देखिए ये भी निकल गया है। दिखाती हूँ वो चाय का पतीला जो हमने माजा नहीं था। सो ये देखिए, जैसे इसमें क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा उबलती है ना, तो इसीलिए जहाँ जहाँ उबलने का वो जलने का वो होता है ना, वहाँ वहाँ से नहीं निकलती है। तो इसको अभी मुझे स्क्रैप करना पड़ेगा। बाकी पूरा बिल्कुल चकाचक हो गया है। बाकी अगर मैं बात करूँ स्टील के ग्लासेस की, तो स्टील के ग्लासेस वगैरह तो ऐसे चमकते हैं, स्टील के बर्तन जैसे बिल्कुल नए नए आते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा। सो ये एक मेरा कप, जब मैं यू नो डिश वॉशर से पहले अंदर पूरी इसकी ब्राउन हो गई थी, सो डिश वॉशर में डालने के बाद से बिल्कुल कम्प्लीटली पूरा वाइट हो गया है। सो ऐसे ही है सब बर्तन। ये देखिए प्लास्टिक भी आपका डिश वॉशर सेफ प्लास्टिक आपको लेना पड़ेगा, माइक्रोवेव सेफ, डिश वॉशर सेफ जो है, तो वो आप इसमें आराम से वॉश कर सकते हो। स्पून भी आपको एक दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए स्पून भी बिल्कुल चमक गया है। जो कांच के बर्तन होते हैं और जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, बिल्कुल चमक जाते हैं अच्छे से। देखिए ये वाला प्लेट दिखाती हूँ। तो इस तरह के जो प्लेट्स होते हैं ना, जो हमारे जनरली यूज़ नहीं होते थे, अब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बिकॉज धोने का टेंशन नहीं है, आराम से इसमें वॉश हो जाते हैं। देखिए कांच के ग्लासेस बिल्कुल अच्छे से पूरे वॉश हो गए हैं। चीज़ जो सबसे अच्छे से वॉश होता है वो है ये, जो हाथ से आप कितना ही मांज लेना, इतना नया कभी नहीं हुआ है। ये मेरा 4-5 साल पुराना चाय छन्नी है, जिसको मैं ना ऐसे जला जला के साफ करती थी। देखिए बीच में जलने का है ना वो। अब ये देखिए कम्प्लीटली बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल नया है। सो बिल्कुल साफ। सो आपने देखा इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे आपके जो बर्तन है वॉश होके आते हैं। सो अभी मैं लास्ट में आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉइंट कि मतलब आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए डिश वॉशर, मेरे ओपिनियन में। सो आई विल कम टू दैट पॉइंट। तो अभी बताते हैं कि डिश वॉशर को मेंटेन कैसे करना है, कैसे उसको क्लीन करना है। सो डिश वॉशर का ना आपका एलजी का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको अपने फोन पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें भी आपके ये दिखा देता है कि आपका सॉल्ट खत्म हो रहा है क्या, रिंसेड खत्म हो रहा है क्या, या फिर यू नो आपके जो डिश वॉशर का जो पैनल है ना, उसमें भी वो शो कर देता है। सो एक तो वो हो गया आपके बर्तनों के लिए, जैसे आपका सॉल्ट और रिंसेड ऐड करना। दूसरा डिश वॉशर को कैसे क्लीन रखना है, सो उसके लिए आपको सिर्फ विनेगर चाहिए होता है। तो मैंने उसका भी यू नो एक डेमो ले रखा है, तो मैं आपको वो अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए हमको लेना होगा विनेगर, आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी विनेगर ले सकते हो। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ डिस्टिल्ड, जो आपका सिंथेटिक नॉर्मल विनेगर होता है वो। सो आपको 2 कटोरियां लेना है, बिकॉज आपके 2 रैक्स हैं ऊपर और नीचे, तो इनको अच्छे से आपको फिल करके ऊपर वाले और नीचे वाले रैक्स दोनों में ही रख देना है। और जो आपका पैनल है उसमें आप देखोगे एक इंटेंसिव का ऑप्शन है, उसके नीचे मशीन क्लीन का ऑप्शन है। सो उसको आपको इंटेंसिव को प्रेस करके रखना है थोड़ी देर के लिए, तो आपका मशीन क्लीन का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जनरली आपको ये जो क्लीनिंग करना होता है विनेगर के साथ, मंथ में 130 साइकिल्स के बाद जनरली कहते हैं आपको ये क्लीन करना चाहिए। तो इसकी भी नोटिफिकेशन आपको जो ऐप है ना उसमें आ जाती है। सो नाउ कमिंग टू द प्राइस ऑफ द डिश वॉशर, तो हमको ये डिश वॉशर पड़ा था 49,000 समथिंग का। उसके साथ हमने एक इसका स्टैंड भी लिया था जो हमको पड़ा था आई थिंक 2,000+ समथिंग का। सो प्लस हमने बाद में इसका एक कवर लिया था, कवर वॉज फ्रॉम Amazon। सो या ये था हमारा मोटा मोटा खर्चा। तो इसके अलावा डिश वॉशर का खर्चा क्या है आपका, जो आप डिटर्जेंट यूज करते हो, आप सॉल्ट यूज करते हो, रिंसेड यूज करते हो, वो और वो एक्चुअली कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत महंगे हैं, कुछ हैं जो यू नो रीजनेबल हैं। जो मैं यूज करती हूँ, एक पूरा कॉम्बो आता है आपका, मैं फॉर्चून का यूज करती हूँ, सॉल्ट प्लस रिंसेड प्लस आपका डिटर्जेंट का। सो वो 450 से 500 के अराउंड कुछ तो आता है, काफी बार डिस्काउंट्स चलते हैं अमेजोन पे, तो कम ज्यादा होता रहता है उसका प्राइस। सो मैं वो वाला कॉम्बो यूज करती हूँ। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे भी काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका बढ़ा है, या फिर डिश वॉशर लेके आपका कितना खर्चा एक्स्ट्रा हो गया है। सो देखिए डिश वॉशर, डिटर्जेंट, रिंसेड और जो सॉल्ट है वो मेरा आ जाता है आप मोटा मोटा लगा लो 700 रुपए में। इलेक्ट्रिसिटी का बिल में मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा है,
200 का डिफरेंस आई हैव सीन, 150 टू 200 का डिफरेंस. सो या ये था एक एक्स्ट्रा खर्चा जो डिश वॉशर का है. सो चलो अब फाइनल पार्ट पे आते हैं जिसमें है कि आपका प्लस और माइनस, यू नो, क्या फायदे हैं डिश वॉशर के, क्या नुकसान है. सो फायदे में सबसे ऊपर तो यही है कि जो मेरा रीजन था डिश वॉशर लेने का कि डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है किसी के ऊपर, आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप यू नो किसी भी टाइम पे अपने हिसाब से आप बर्तन यू नो वॉश कर सकते हो, कितने भी टाइम्स आप बर्तन वॉश कर सकते हो. जैसे अगर आपकी बाई आती है, मेड आती है, सो वन टाइम ही, पुणे में दे कम ओनली वंस, दिल्ली वगैरह में तो फिर भी दो बार आती है. सो डिश वॉशर वैसा कुछ नहीं है, आप अपने बर्तनों के हिसाब से, कम बर्तन है तो मत लगाइए उस दिन, ज्यादा है तो दो बार चला दीजिए. सो इस हिसाब से आप यू नो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो और आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप दिन में बर्तन वॉश कर सकते हो. नेक्स्ट है कि बर्तन जो है इतने चमक के आते हैं ना, आपके स्टील के बर्तन, मतलब इतना शाइनी मैंने कभी अपने स्टील के बर्तनों को नहीं देखा, ऐसा लगता है बिल्कुल नए नए होके आए हैं. हाथ से भी वॉश करते थे हम लोग लेकिन इतना शाइनी कभी नहीं हुआ है. सो स्टील के बर्तन, कांच के बर्तन इतने अच्छे से बिल्कुल चमक के और ड्राई होके निकलते हैं कि आपको इनको देख के ना दिल खुश हो जाता है. काफी मेरे क्रॉकरी थे जो मैं यूज नहीं करती थी पहले, बिकॉज उनको वॉश करने में काफी यू नो डेलिकेट होते हैं, तो वॉश करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है. सो अभी अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो आप देखोगे आई हैव स्टार्टेड यूजिंग क्रॉकरी मोर, बिकॉज वो बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं, तो कोई टेंशन भी नहीं है टूटने की. सो मेरा सारा क्रॉकरी यूनिट बाहर आ गया, आई एम यूजिंग दैट. सो यस, यू नो टू बी ऑन अ सीरियस नोट, बर्तन बहुत अच्छे से वॉश होते हैं, स्टील और कांच के बर्तन बिल्कुल शाइन होके आते हैं. और एक और एडवांटेज है, काफी लोगों को लगता है कि पानी बहुत वेस्ट होता होगा शायद डिश वॉशर में, बिल्कुल ऐसा नहीं है. डिश वॉशर में बहुत कम पानी यूज होता है कंपेयर टू जो हम हैंड वॉश करते हैं. सो यस, पानी की भी आपकी बचत होती है. ओके, सो अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे. तो नेगेटिव मुझे एज सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, बट यस एक है, जैसे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सो आपका यू नो डिश वॉशर आप उस टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कुछ तरह के बर्तन है, मटेरियल है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आपका वुड हो गया, नॉनस्टिक हो गए, इनको आप यूज नहीं कर सकते हो डिश वॉशर में. आयरन लोहे की कढ़ाई हो गई, उनको आप वॉश नहीं कर सकते, उनको आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा. सो यस, दिस इज अनदर नेगेटिव चीज जो मैं डिश वॉशर का कहूंगी वो है. और एलजी में एक और चीज जो यू नो काफी लोगों ने इस पे भी वीडियोस बनाए हुए हैं वो है कि जब इलेक्ट्रिसिटी चल जाता है तो एलजी का जो है ना साइकिल वो वापस से स्टार्ट होता है. सो ये नेगेटिव है कि नहीं है, इट डिपेंड्स. एक्चुअली मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज एक्चुअली पूरा साइकिल स्टार्ट नहीं होता है. आपका जो डिश वॉशर है उसमें जनरली यू नो ब्रॉड अगर मोटे मोटे टर्म्स में बोलूं दो साइकिल होता है, एक वॉशिंग और एक रिंसिंग का, ठीक है. तो अगर वॉशिंग के साइकिल में लाइट चली जाती है तो वो वॉशिंग के स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, लेकिन अगर रिंस के साइकिल में आपका यू नो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो वो वॉशिंग से स्टार्ट नहीं करेगा, वो रिंसिंग से ही स्टार्ट करेगा. तो अभी प्रॉब्लम मुझे क्यों नहीं है, अगर लाइट ऐसा मतलब ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली लाइट गई नहीं है, एक दो बार यस लाइट गई है, तो उसमें भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, वो साइकिल आपका स्टार्टिंग से करेगा. तो भी इसमें है कि वो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अगर आपको कुछ बर्तन चाहिए उसमें से आप एब्सोल्युटली उसमें से बर्तन निकाल के आप वॉश करके उस बर्तन को उस टाइम पे यूज कर सकते हो. सो जो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैंने यू नो देखा था जब मैं एलजी का रिव्यू देख रही थी डिश वॉशर का, तो यही था कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो वो पूरा साइकिल वापस से मारता, ना कि जहां पे बंद हुआ है वहीं से स्टार्ट होता है. सो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नो जस्ट आई वांटेड टू मेक श्योर कि आपको ये पॉइंट आपके माइंड में रहे जब भी आप एलजी का डिश वॉशर लो, सो दैट यू आर अवेयर अबाउट दिस पॉइंट, और इसको पॉइंट को दिमाग में रख के ही आप डिसाइड करो कि आप यू नो एलजी का लेना चाहते हो कि एलजी का नहीं लेना चाहते हो. यस, नाउ द मेन पॉइंट, क्या मैं रिकमेंड करूंगी डिश वॉशर या फिर एम आई हैप्पी. सो देखिए, मैं बहुत खुश हूं डिश वॉशर के साथ. अभी मेरी आई कैन यूज डिश वॉशर एनी टाइम, बर्तन अच्छे से धुल जाते हैं, किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है. बट अगर आपके पास बहुत अच्छी मेड है, यू नो जो आपका पूरा बर्तन करके जाती है, किचन का पूरा सिंक साफ करके जाती है, और आपको पता है वो मेड कभी छोड़ के नहीं जाएगी आपको, तो आप डिश वॉशर को छोड़ सकते हो. सी, बिकॉज जो एक ह्यूमन कर सकता है वो एक मशीन नहीं कर सकता. बिकॉज डिश वॉशर में कैसे क्लीनिंग होती है, आपकी जो पानी है ना उसके प्रेशर से आपके बर्तन वॉश होते हैं. सो बर्तन को जैसे हम घिसते हैं, मांजते हैं, तो वो मांजने का काम डिश वॉशर नहीं करता है. सो अगर आप ऐसा सोचो कि मैं डिश वॉशर यू नो मुझे डिश वॉशर चाहिए, बिकॉज डिश वॉशर चाहिए और मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा बर्तनों को, बर्तन बिल्कुल जैसे का जैसा है उठा के डिश वॉशर में डालेंगे और डिश वॉशर पूरा मांज मांज के साफ करके आपको देगा, सो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है. आपको बर्तनों में
हाथ लगाना ही पड़ेगा। तो 10-15 मिनट्स आपको लग जाते हैं बर्तनों को सेट करने में, उनको थोड़ा सा क्लीन करने में फूड पार्टिकल्स के साथ। इट्स बेटर टू नॉट यूज अ डिश वॉशर अगर आप चाहते हो डिश वॉशर आपका यू नो लॉन्ग टर्म रहे। सो जैसे आपका कैसा होता है ना वॉशिंग मशीन, आप वॉशिंग मशीन में अगर बाई रख लो, अगर यू नो वॉशिंग मशीन ना लो तो बाई आपका कपड़े भी धोएगी अलग अलग से और सुखा के भी आएगी बालकनी में। लेकिन अगर आप वॉशिंग मशीन लेते हो तो आपको कपड़े अलग से सेट करने पड़ेंगे, सफेद अलग, कलरफुल अलग, अलग से डालने पड़ेंगे, सुखाने भी खुद से ही पड़ेंगे। सो डिश वॉशर भी वैसा ही है। अगर आप सिर्फ ये बोलो कि नहीं इसमें तो बहुत काम है, आपको मांजना भी पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, तो डिश वॉशर का क्या फायदा है, सो देन मे बी यू कैन लेट इट गो, बिकॉज हाथ लगाना पड़ेगा आपको, काम करना पड़ेगा, उसमें सेट करने पड़ेंगे बर्तन, थोड़े मांज के रखने पड़ेंगे बर्तन, निकालने भी पड़ेंगे बर्तन। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। सो आई वुड, मेरा जेन्युइन ओपिनियन है, अगर आपके पास अच्छी मेड है हु इज डूइंग एब्सोल्युटली नाइस वर्क, और बिकॉज आप एक मैन पावर, एक एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हो विच इज लाइक वेरी गुड, हम भी वो चाहते थे बट वी डिड नॉट फाइंड अ गुड मेड, सो बैड लक, सो वी वेंट अहेड विथ अ डिश वॉशर। सो अच्छी मेड है तो डेफिनेटली, लॉन्ग टर्म रुकने वाली मेड है तो डेफिनेटली गो अहेड विद द मेड, उसको रिप्लेस करके डिश वॉशर लाओगे तो आई थिंक आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है, कोई अच्छी मेड नहीं है, या फिर आप खुद से बर्तन वॉश कर रहे हो, तो डेफिनेटली दिस इज अ बिग बिग हेल्प एंड अ बिग येस फ्रॉम मी। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द डिश वॉशर एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस डिश वॉशर इन केस आपके जो क्राइटेरियाज हैं वो मेरे जैसे ही हैं तो। सो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली ये वीडियो इज डन एंड आई रियली होप कि यू नो आई वॉज एबल टू हेल्प यू टू डिसाइड वेदर टू बाय अ डिश वॉशर और नॉट टू बाय अ डिश वॉशर। सो यस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू चेक आउट सम मोर वीडियोज ऑन माई चैनल, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम में भी आई एम देयर विद द सेम नेम मानसी व्लॉग्स, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बहुत अच्छे अच्छे रील्स भी डालती हूँ वहां पे मैं। सो चलिए मिलती हूँ आपको एक और नए व्लॉग और वीडियो के साथ, तब तक यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।